ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो जो चीज़ें आती हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और लेकिन हम इसमें चूंकि आप में एक बेसिक बेसिक ही हमने कंसेप्ट देना होता है, तो इसमें हम उसकी बेसिक्स को ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आती है वो रिडॉक्स आती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट है, ये क्या होता है। जहाँ पर रिडक्शन का लफ्ज़ आएगा वहीं पे ऑक्सीडेशन का आएगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन का लफ्ज़ आएगा वहीं पे आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि इकट्ठा है। अगर एक प्रोसेस हो रहा है तो दूसरा भी साथ ही होगा। तो नॉर्मली इन दोनों को जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आर रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक एटम है कोई भी, जैसे अभी आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा, इसके अलावा आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, दोनों चीजें आपने पढ़ी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना, इस वो हम देखते हैं इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है हाइड्रोजन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। अगर तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, और इसका जो उलट है वो रिडक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं, जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, जिसमें से हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसको अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने तो उसमें से हीट खारिज हो, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका उलट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमें हीट खुद से देना पड़ती है सिस्टम को। एंड वी कैन यूज देयर रिलीज्ड एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर एप्लीकेशन। और मोस्टली ऐसे रिएक्शन में जो हीट निकलती है, जो उसकी इंथाल्पी चेंज होती है, वो हम कैलकुलेट करके और फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम होता है, हम उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, उसको किसी और पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्ट द हीट ऑफ कम्बस्टन इन टू मैकेनिकल एनर्जी टू मूव अवर कार्स। कोई भी हम उसको मगर कम्बस्टन कर रहे हैं, कम्बस्टन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ किसी भी स्पीशीज का रिएक्शन। तो अगर हम कहें कि कम्बस्टन ऑफ मीथेन गैस, इसका मतलब है मीथेन गैस का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कहलाएगी कम्बस्टन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या कम्बस्टन का एक ही मतलब है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बैटरीज में होती है, वो हमारी यूज होती है। कम्बस्टन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसमें हमें हीट मिलती है। जब हम बर्निंग करेंगे, बर्निंग का लफ्ज हो, कम्बस्टन का लफ्ज हो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो, इस सब का एक ही मतलब है। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट नीचे लिखी होती है ना, ये भी हमें बताती है कि किस कंडीशन में। एस सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है और आगे भी सॉलिड है, और साथ हमें एनर्जी मिली है। इस रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और Fe2O3 बना, आयरन का ऑक्साइड बना। ऑक्साइड होता है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और Fe2O3 में अगर आप देखें, गौर करें, तो ये जो है इसकी 2 वैलेंसी है और यहाँ पर उसकी 3 वैलेंसी है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकला और इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगी। इस तरह से मीथेन गैस है, इसकी बर्निंग हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर गैसियस फॉर्म में बना। ये लिक्विड होता है तो पानी है, गैस का मतलब है स्टीम है, वेपर्स है, और साथ हमें एनर्जी मिली। तो अब देखेंगे जो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हमें एनर्जी मिल रही है। सिंस कम्बस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, इसका जो रिवर्स होगा वो एंडोथर्मिक होगा, जिसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगा। इसी रिएक्शन को अगर हम उलट करके लिख लें, यानी कि एनर्जी प्लस Fe2O3, इधर एरो लगा दें, 4F और 3 ऑक्सीजन, इस तरीके से इस रिएक्शन को भी उलट करके हम लिख दें, तो इसमें फिर हमें एनर्जी देना पड़ेगी अगर हम इन चीजों को मिला के ये बनाना चाहते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन्ड रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज गेन्ड और लॉस्ट आर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे
जिसमें ऑक्सीजन गेन या लॉस हो उसको भी हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एन एलिमेंट अटैच टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज जनरली बीइंग ऑक्सीडाइज, जैसे मीथेन की दोबारा से ये एग्जांपल लिखती है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, क्या मतलब कि कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे सी एच के साथ बाउंड था और प्रोडक्ट में सी जो है वो ओ के साथ बाउंड है, तो मीथेन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई इसलिए भी ये ऑक्सीडेशन है। दूसरा, इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ इसलिए भी ये ऑक्सीडेशन है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन भी इसने इसमें से निकले हैं तो वो भी, अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं वो आपको भी समझ नहीं आएगी, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर इसकी वैलेंसी है +4 और यहाँ पर इसकी चेंज हो जाती है। जो मैं आपको आगे इलेक्ट्रॉन का सारा ट्रांसफर बताता हूँ कैसे होता है और आप कैसे चेक कर सकते हैं इसकी, मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का ना तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ सारा डिटेल से कि कैसे लिखना है। व्हेन एन एलिमेंट लूज एन अटैचमेंट टू ऑक्सीजन, जब अटैचमेंट उसमें से निकलती है तब भी हम उसको कहते हैं कि ये रिड्यूस हो गया, जब उस ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन निकल गई तो वो रिडक्शन है। ठीक है, तो ये उसका उलट जो है ये फिर हम इससे कैसे, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी, Na2O बन गया, यानी कि ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्साइड बनते हैं। इस तरह सोडियम में क्लोराइड ऐड हुआ, इस सूरत में रिएक्शन इन्वॉल्व अ मेटल रिएक्शन विद अ नॉन मेटल, इन एडिशन बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व अ कन्वर्जन ऑफ फ्री एलिमेंट्स इनटू आयंस। इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों आयनिक फॉर्म में बनते हैं, मतलब सोडियम में से आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Na पॉजिटिव बनता है और Cl जो है वो नेगेटिव बनता है, उसके बाद इनका नमक बन जाता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है ये। इसी तरीके से ये अब इलेक्ट्रॉन की अब हम बातें करने लगे, इस तरह से सोडियम और ऑक्साइड का, इसमें ऑक्साइड से ऐड हुआ लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर इनकी वैलेंसी की सूरत में अगर हम लिखे तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको इस तरह से लिखा हुआ है सिर्फ ये न्यूट्रल दिखाने के लिए, बाकी मैं आपको आगे इसको समझा दूँ। इस तरह सोडियम क्लोराइड में भी हमने इस तरह से उसको न्यूट्रल शो किया हुआ है, अदरवाइज ये 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2- है। ठीक है, ये टाइपिंग में भी है, मैं इसको दोबारा अपने पास भी वैसे कर लीजिएगा, ओ के ऊपर -2 होता है तो ये फिर बैलेंस हो जाता है आपस में, यानी कि 1 सोडियम 1+ चार्ज 1- को, दूसरा Na2 है, 2 सोडियम जो है वो इसको बैलेंस कर देते हैं, ओवरऑल फिर ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ये Na2O माइनस नहीं है, डबल माइनस है। अच्छा, टू कन्वर्ट अ फ्री एलिमेंट इनटू एन आयन द एटम मस्ट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स इफ वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन अनदर मस्ट एक्सेप्ट, वो इलेक्ट्रॉन अगर एक में से निकलता है तो दूसरे दूसरा जो है वो जिसको जरूरत होती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। रिएक्शन होते ही ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या दे रहे हैं। रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर आर रिडॉक्स रिएक्शन, एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन उसको हम कहेंगे कि जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया कि ये ऑक्सीडाइज होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, एटम्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिड्यूस। अगर इस सूरत हाल में देखें तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन होगी, या अगर हम इंग्लिश में इसको जरा समझें तो इसको हम कहेंगे कि सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये टर्म जो है मुझे समझें, गलत नहीं बोलनी है आपने। पेपर में अगर मैं आपसे ये पूछूं या आपके वाईवे में या एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई तो आपने वो बताना है, अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तो वो आपने फिर और तरह से बताना, वो आगे मैं बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब अगर जिस चीज की ऑक्सीडेशन होती है वो बेसिकली खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस चीज की रिडक्शन होती है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आगे हम इसको दोबारा सारा डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, तो जो सवाल पूछा जाए उसका उस तरीके से जवाब देना है। तो इसमें अगर आप देखें सोडियम और क्लोराइड में, तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल के तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया या उसकी ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसकी रिडक्शन हो गई या ये रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मस्ट अकर साइमल्टेनियसली, इकट्ठी होती है। इफ एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन अनदर एटम मस्ट टेक देम, द रिएक्टेंट दैट रिड्यूस एन एलिमेंट इनटू अनदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस करता है, एजेंट का मतलब होता है करने वाला। ठीक है,
जैसे हम वो फिल्मों में होता है जेम्स बॉन्ड है, एजेंट है, सीक्रेट एजेंट है, वो क्या करते हैं, काम करते हैं ना, इस तरह से ये भी एजेंट्स हैं। एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करता है, रिएक्टेंट दैट रिड्यूस एनर्जी, जो एलिमेंट को रिड्यूस करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द रिड्यूसिंग एजेंट कंटेन द एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडाइज, और ये वो वाला होता है जो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना कि ऑक्सीडेशन, अब इसमें अगर हम देखें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट है, किस तरह से इसने दूसरे को रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस किया, कैसे रिड्यूस किया, उसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये रिड्यूस हुआ, तो ये सोडियम क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि ये वजह बना इसका इलेक्ट्रॉन निकालने की, ठीक है। मतलब अल्फाज का हेर फेर है, बाकी मतलब वही है जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उलट होते हैं, और ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिडक्शन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जिसके साथ ऑक्सीडेशन, जिसकी जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो बजाते खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन हो रही होती है वो बजाते खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है आपने। तो ये सोडियम का और क्लोरीन का आपको बता दिया। इस तरीके से ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो गई। इस तरह से आयरन में FeCl, इसमें हम इलेक्ट्रॉन का हेरफेर है, वो फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह जिंक और आयरन है, इसमें अगर आप देखें जिंक यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पर जो है वो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। Fe2 है, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, कम थे, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये वाली चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और दोनों सूरतों में जो करने वाला है वो एजेंट कहलाता है। फॉर रिएक्शन दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन मेटल एंड नॉन मेटल एंड डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें मेटल और नॉन मेटल भी ना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड था, सोडियम मेटल से इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर था, क्लोरीन जो थी वो नॉन मेटल थी, दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ और हमें उसमें पता चल गया कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। लेकिन ऐसे अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ना हो चक्कर, ये मेटल और नॉन मेटल का ना हो, ना ही ऑक्सीजन, वी नीड अ मेथड, हमें फिर एक मेथड चाहिए जिससे हमें पता चल जाए, फॉर डिटर्मिनिंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, हमें पता चल जाए, मतलब मेटल्स में तो हमें पता चल गया इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, ये आपको बताया वन ए और टू ए ग्रुप, इस तरीके से नॉन मेटल्स का भी आपको बताया। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें पता ही ना हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं, तो फिर हमें एक कोई प्रिंसिपल, कोई रूल बनाना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए, तो वो फिर हम पता चलता है, फिर हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। दैट अलाउ देम टू डिटरमिन द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट हो रहे हैं या उसमें से निकल रहे हैं, मतलब ऐड हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं, दोनों सूरतों में हमें फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख के पता चलेगा। हम रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, हम प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, और फिर हम उसको चेक करेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, आयन और ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट आयन चार्ज, मतलब उसके हम चार्ज नहीं शो कर रही है, मत समझिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद ये है कि ये एक चार्ज स्पीशीज है, यानी कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इट डजेंट मीन कि इसने वो पॉजिटिव या नेगेटिव उस वक्त, क्योंकि जो एटम मालिक्यूल होता है वो तो न्यूट्रल फॉर्म में उस वक्त होगा, तो वो उसके ऊपर ओवरऑल अगर चार्ज नहीं भी है तो हम चार्ज लिख रहे होते हैं, तो इट डजेंट मीन के वो केटाइन या एनाइन बना हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो सिर्फ उसकी कंडीशन कि इस हालत में इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं या एक्सेप्ट किए हुए हैं, क्योंकि जब भी उसका कोई भी कंपाउंड बनता है तो उस वक्त ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेके, लेकिन उस वक्त तो वो एक न्यूट्रल होता है ना, तो अगर न्यूट्रल को तो फिर हम फिर चार्ज आयनिक कंपाउंड, मतलब चार्ज कंपाउंड तो नहीं कह देंगे ना कि ये है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इमेजिनरी चार्ज असाइंड बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल, तो ये इमेजिनरी चार्ज होता है जो हम उस पर असाइन करते हैं। आयन चार्ज आर रियल,
ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव अगर मैंने लिखा हो तो वो एक कैटाइन है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन अगर NaCl लिखा हुआ है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। आयनिक चार्ज आर रियल मैयरेबल चार्ज, रूल्स आर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, फ्री एलिमेंट्स हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एक न्यूट्रल एटम की वो हमेशा जीरो होगी, ठीक है। Na अगर Na की हालत में एटॉमिक फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, अगर न्यूट्रल इस तरह से लिखे हों तो इस तरह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। मोनोटॉमिक आयंस हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू देयर चार्जेस, ठीक है। मोनो एटॉमिक आयन जो है, जो एक एटम वाले हैं, तो वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उनकी जो है मतलब उसके जिस ग्रुप में पाए जाते हैं। सोडियम पहले में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, क्योंकि ये एक जो है वो आयन, ये प्लस आयन बन सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोनोटॉमिक आयनिक फॉर्म में प्लस। इस तरह क्लोरीन जो है वो आपको पता 7वें में है, तो ये भी -1 है इसकी, यानी कि ये नॉन मेटल है। तो ये 1A और 2A का आपने याद रखा है कि 1A वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और 2A वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसके अंदर एक तीसरा जो रूल है उसके अंदर फिर ए बी है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड इज जीरो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट सब की जो है वो ओवरऑल जो है वो जीरो होगी, ठीक है। जैसे NaCl में +1 और -1 को अगर आप मिला के देखें तो जीरो बनती है, तो इस तरह से नेट रिजल्ट जीरो आना चाहिए। दूसरा, सम ऑफ द, अगर न्यूट्रल है NaCl जैसे न्यूट्रल, लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है कोई चार्ज आयन है, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम इन अ पॉली एटॉमिक आयन, मतलब एक कोई आयन है जिस तरह NO3 माइनस चार्ज के साथ है, तो फिर इसका नेट रिजल्ट ये आना चाहिए जो ऊपर है सब सब के ऊपर, ठीक है। ये जो माइनस चार्ज होता है, जो प्लस चार्ज होता है, सिर्फ ऑक्सीजन पे ये स्पिन ही शो रहा होता है, ये ओवरऑल पूरे के पूरे आयन पे होता है। मतलब अगर Na+ है, ठीक है, उसमें तो हमें पता है ना कि सोडियम अकेला है, लेकिन NO3 में देखेंगे तो एक नाइट्रोजन है और तीन ऑक्सीजन है, देखा जाए तो ये चार एटम है। अब ये चार एटम है ओवरऑल, इनके ऊपर माइनस है, तो ये फिर आपने माइंड में रखना है जब लिखना है। तो इसमें सोडियम 5वें ग्रुप की है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये इनका नेट रिजल्ट देखें तो फिर इस तरीके। अब हमने यहाँ पर हमें कैसे पता चला +5 है, तो हमें बेसिकली नाइट्रोजन का नहीं था पता, लेकिन हमें ऑक्सीजन का जरूर पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखनी है कि ऑक्सीजन की -2 होती है, और अगर परऑक्साइड होगा तो तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। जैसे H2O2 है, इस फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, अदरवाइज। यानी कि ये कुछ आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रूल याद रखने, एक आपने मैंने आपको बताया पहले और दूसरे ग्रुप वालों का आपने याद रखना है कि +1 और +2 होती है, इस तरह से जो 7th ग्रुप है उसकी -1 होती है, इस तरह से ऑक्सीजन की आपने -2। तो चूंकि हमें ये पता था कि ऑक्सीजन की -2 है, तो 3 से 2 को जरूरत थी तो -6 आ गई, तो चूंकि ओवरऑल -1 है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन पे +5 ही होगा। तो इस तरह से हम निकाल भी लेते हैं, आगे हम निकालेंगे भी, मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आपको बताऊंगा। अच्छा, चौथा ग्रुप रूल जो है वो ये है, ग्रुप 1, ये मैं आपको बता चुका कि +1 होती है इसकी फर्स्ट A की, और 2A की +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इस तरह से ये अगर आप ब्रोमीन में देखें, ये 7th ग्रुप का है, तो चूंकि ये न्यूट्रल हालत में है, रूल 1 के मुताबिक इस पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो होगी। ये पहले ग्रुप का है तो इसका +1 होगी। लिथियम फ्लोराइड के अंदर F के ऊपर आपको पता है 7th ग्रुप है, तो इसके ऊपर -1 होगा, तो लिथियम पे अल्टीमेटली +1 होगा रूल 4A के मुताबिक, जिसमें +1 होगा अगर तो ये फर्स्ट A ग्रुप का है रूल। और फ्लोरीन जो है वो रूल 5 के मुताबिक, तो ये है ये इसका जो -1, ठीक है, ये नॉन मेटल है, 7th ग्रुप है। इस तरह से CO2 के अगर एग्जाम्पल दें तो ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 होगा, कार्बन के ऊपर +4 होगा, ठीक है। इस तरह से SO4 में सल्फर और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड होगा, इसमें ना ये वेरिएबल होगी, इस हालत में SO4 की हालत में इसके ऊपर +6 है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकती। अगर सल्फर का SO3 हो या SO2 हो तो उस हालत में फिर ये डिफरेंट आएगी, वो आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ऑक्सीजन का पता होता है। इस सूरत में देखें ऑक्सीजन पे तो -2 है, तो 4 और 2 8 हो गए, और ओवरऑल इसके ऊपर -2 है, इसका मतलब है
-8 और ओवरऑल हमें -2 चाहिए, तो इसका मतलब है सल्फर पे +6 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से Na2O2 ये परोक्साइड आ गया, ठीक है। परोक्साइड की फॉर्म में Na के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन में -1 है, लेकिन ये परोक्साइड जब होगा अदरवाइज। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि ये -1 है, क्योंकि हमें सोडियम का पता था कि इसके ऊपर +1 होता है, तो दो सोडियम और ये दो ही ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल तो हमें 0 चाहिए ना, तो इसलिए ये -1 और +1 ही होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स इनमें बराबर है, तो तभी ये ओवरऑल न्यूट्रल हो सकता है। तो आप अगर ओवरऑल चार्ज स्पीशीज है तो आपने उसका चार्ज जो है ये माइनस प्लस करके बराबर करना होता है, न्यूट्रल है तो आपने प्लस माइनस करके 0 लाना होता है। तो इसकी अगर हम समराइज करें तो हमें क्या पता चला, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट, जो आजाद हालत में कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में है चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उस हालत में अगर एक ही एटम वाला जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये है मॉलिक्यूल, लेकिन इसी तरह से Na है मेटल फॉर्म में, या तो इस तरीके वो, फिर दोनों सूरतों में फिर न्यूट्रल पे और फ्री एलिमेंट पे 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है। मोनो एटॉमिक आयन वो जो होगा एक एटम वाला आयन, जैसे Cl नेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, इस तरह Na पॉजिटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन +1 होगी, इस तरह से O2 दो माइनस चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, मैग्नीशियम +2 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो जिस हालत में भी कोई आयन पाया जाता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही होगी जो उसका चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, लेकिन -1 भी हो सकता है जब व्हेन कंबाइंस विद अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये मिले तो -1 होगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से मिले तो वो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो नहीं खींचेगा। जैसे हाइड्राइड्स आपने, लिथियम हाइड्राइड जो सलाइन हाइड्राइड आपने पढ़े हैं, तो उसमें क्या था, हाइड्रोजन जो है वो उसमें लिथियम के साथ अगर मिलता है तो लिथियम पे +1 चार्ज होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब तो एक तरह का इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही नहीं वो, तो इस वजह से उस पर -1 चार्ज होता है। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज यूजली -2, बट इट इज -1 इन परोक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 जो है वो +1, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पे +2, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रुप 17, ये जो हमारे एलिमेंट्स इन अ बाइनरी कंपाउंड इज -1, ये वो वाला जो 7th ग्रुप है। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल एटम इज 0, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर पॉलीटॉमिक आयन, जो आयन के अंदर पॉलीटॉमिक, जैसे NO3 की एग्जांपल दी थी, उसमें फिर नेट रिजल्ट भी वो आयनिक ही होगा। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी और एन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कि वैलेंसी का लफ्ज हम बोलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बोलते हैं, तो दोनों का क्या मतलब है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड हैज लॉस्ट और गेन, ठीक है। अगर एक हमने कंपाउंड बनाया है, उस कंपाउंड के अंदर उसका उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, वो उसकी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये एक कंपाउंड की डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे कार्बन की किसी जगह पे +4 है तो किसी जगह पे वो +2 भी होगी, इस तरह से आयरन की +3 भी है +2 भी आपको नजर आ रही है। तो ये इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जैसे कोई कंपाउंड लिखा हमने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ये बताया, ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ, ये जैसे SO4 की, ठीक है, इस हालत में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, लेकिन ये कभी कभी चेंज भी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब सल्फर की ये वैलेंसी नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो उस खास पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर उसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, वो हम बताते हैं। लेकिन जो वैलेंसी होती है, ये वैलेंसी हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंसी का मतलब आप लफज भी मिलता है जुलता है, वैलेंस, ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी बेस पे हम देखते हैं। इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। अगर किसी की वैलेंसी हम बताते हैं तो वो क्या बताते हैं, हम उसके आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दिस इज द मेन डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस, बाकी क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड चार्ज।
द की डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड चार्ज, चार्ज मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो या चार्ज हो, इज द वैलेंसी इंडिकेटेड द एबिलिटी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट, वेयर चार्ज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और रिमूव। ठीक है, जो चार्ज होता है वो भी यही हमें बताता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए हैं, और लेकिन वैलेंसी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसका कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो ये कितने एलिमेंट से मिलेगा, यानी कि वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल है, आपको पता ऑक्टेट पूरा करना, इस तरह की जो बातें हमने आपको बताई हैं उसकी बेस पे हमें पता चलता है कि ये इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। वैसे तो ऑक्टेट रूल भी डिसोबे होता है, वो मैंने आपको बताया था। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट हैज गेन्ड और लॉस्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली ऊपर बात है, ये दोबारा यहाँ पे लिखी है कि चार्ज का और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का, दोबारा से, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज गेन्ड और लॉस्ट। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट का लफ्ज आएगा, चार्ज का लफ्ज आएगा, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कितने किए या गेन कितने किए, जबकि वैलेंसी से हमें ये पता चलता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे। इट हैज गेन्ड और लॉस्ट इन अ कंट्रास्ट द वैलेंसी नंबर द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है, अब आप ये देखें इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से मुराद ये है कि +2 था तो +3 हो गया, ठीक है, तो ये प्लस की तरफ गया, बढ़ा, इसको कहते हैं इंक्रीज हुआ। तो इसी तरीके से -4 है, -4 से 0 हो गया तो ये भी बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 4 था तो 2 था, माइनस रकम छोटी होती है 0 से, और जो प्लस रकम होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो ये तो आपको इतना बेसिक मैथ तो पता ही होगा। तो इसी तरीके से अगर आप इस CH4 में देखें, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है और कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो इस सूरत हाल में देखें तो कार्बन के ऊपर -4 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो ये ऑक्सीजन पे -2 है और 2 है तो -4, और इसका पूरा चूंकि न्यूट्रल है तो ये कार्बन +4 है। तो यहाँ -4 से +4, यानी कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें चेंज आया, -4 से पहले 0 पे गया तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, फिर उसके बाद इसने +4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन मजीद लूज से, 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए इस हालत से यहां तक आने में, ठीक है, यानी कि यहां से पहले न्यूट्रल पे गया, न्यूट्रल के बाद वो फिर उसने और इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो CO2 में +4 है और CH4 में -4 है, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 8 बड़ी इंक्रीज हुई। इस तरह से O2 में यहाँ पर न्यूट्रल है, ये 0 लिखा हुआ, लेकिन इस फॉर्म में देखें तो ये -2 है। तो इसने क्या किया, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, उसके बाद प्रोडक्ट बना तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, इसका मतलब है कि इसने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड ही हुए ना -2 में, ठीक है, अगर निकलते तो प्लस आता साइन, ठीक है, और ये इसमें ऐड हुए हैं तो इसलिए माइनस साइन आ गया, तो इसमें इसकी रिडक्शन हुई। तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के हमें पता चलता है कि अब आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होता है, इस तरह से हमें पता चल जाता है चीजों का। अब ये एक रिएक्शन अगर आप देखें H2S और NO2 का, इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की आपको चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती, आपने सिंपल उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी लिखनी शुरू कर देनी है। H2S में आपको पता है हाइड्रोजन पे ये सल्फर जो है वही है ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन पे -2 है तो इस पे भी -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये 2+ है, ठीक है, मतलब 1+ और दो, दूसरा दो एटम है तो ये ओवरऑल फिर न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। इस तरह से NO3 के ऊपर ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज है, तो 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है, -6, तो चूंकि ओवरऑल हमें -4 चाहिए तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे +5 है। इस तरह से हाइड्रोजन पे देखें, इस न्यूट्रल हालत में है लेकिन अपना एटॉमिक फॉर्म में है, इसमें आयन चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज में जो इसका चार्ज नजर आ रहा है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो +1 है तो +1 ही नजर आएगा, ये न्यूट्रल है तो 0 आएगा। NO में ये ओवरऑल न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पे -2 है तो इस पे +2 है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पर +2 है तो चेंज होगी। इस तरह से वाटर में इसकी -2 है,
यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सल्फर ने -2 था, -2 से ये 0 पे चला गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी रिडक्शन हुई है क्योंकि ये +5 से +2 पे चला गया, यानी कि इसके अंदर पहले 5 इलेक्ट्रॉन की कमी से अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि +3 था ना, तो प्लस फाइव था ना, +5 का मतलब है कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो अब इसके पास प्रोडक्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, यानी कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, +5 से +2 में जब गया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कहलाएगा कि इसकी रिडक्शन हो गई। इसी तरह से MnO2 की केस में देखें तो इसमें ऑक्सीजन भी आपको बताया कि -2 होता है, माइनस और 2 है तो -4 ओवरऑल, तो मैगनीज अकेला एक एटम है तो +4 होगी, तो यहाँ पे +4 है। प्रोडक्ट में देखें तो MnBr2 है, ये क्लोरीन ब्रोमीन इनके ऊपर आपको बताया कि -1 होता है, तो इस पे 2 है तो ये ओवरऑल -2, तो ये +2 इसको बैलेंस करने के लिए, तो +2 होगी +4 से, इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी अब 2 की रहेगी, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो गेन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। इस तरह से HBr के केस में देखें तो इस पे -1 है, हाइड्रोजन पे +1 है, यहाँ पर ये फिर न्यूट्रल में चला गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने याद रखनी है, इसकी मुख्तलिफ आप नेट से एग्जांपल देंगे। आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो ये है कि आपने जो है ना, अभी आपको जो मैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बताने लगा हूँ, इस रूल के तहत रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक तरीका आपको बताया। इस तरीके के मुताबिक आपने जो है ना इसको नेट से आपने ना 10-10 इक्वेशंस कोई भी लेनी है और उनको आपने इस मेथड से फिर बैलेंस करके लिखना जो मैंने लिखा हुआ है, और वो वाली जो एग्जांपल्स मेरी स्लाइड्स में दी हुई है वो आपने यूज नहीं करनी है, आपने न्यू एग्जांपल्स यूज करनी है। सबसे पहले तो आपने कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन, आप जैसे आप आम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को भी बैलेंस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ठीक है, सबकी। उसके बाद आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चेक करनी है किसमें हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिडक्शन को अलग लिख लेना है, जैसे ये इसमें अगर आपने देखें Fe +2 था तो +3 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन, तो हमने ऑक्सीडेशन अलग लिख ली। और रिडक्शन जो है इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल -1 है इस पे ना, टोटल पे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे तो -2 होता है, 4 और 2 8 होता है, ठीक है, इसका मतलब -1 चाहिए तो मैगनीज पे +7 ही होगा, +7 और -8 का नेट रिजल्ट -1 निकलता है इस रूल के, इस पे +7। अब यहाँ पर देखें तो ये Mn2 2 लिखा ही हुआ है, नजर ही आ रहा है हमें, तो लिखा हुआ है तो फिर ठीक है, इसका मतलब है +7 से +5 में चला गया, इसका मतलब है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये रिडक्शन हुई। तो हमने क्या किया है, रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका कि हमने सबसे पहले चेक किया उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हमने चेक किया उसके रिड्यूस कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, उनको हमने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, ये अगला स्टेप है। उसके बाद हमने हाफ रिएक्शन लिख लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले अगला जो रूल है वो ये है, फर्स्ट बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स है ना वो हमने बैलेंस करने हैं दोनों में, ठीक है। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो इसमें तो ऑक्सीजन के अलावा मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं ना, तो हमने उसको क्यों बैलेंस करना है किसी को, इसमें ऑक्सीजन के अलावा मैगनीज है तो मैगनीज भी बैलेंस है, ठीक है, तो उसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं, यानी कि Mn इधर भी एक एटम था, इधर भी एक एटम, ठीक है। अब अगला रूल क्या है कि हमने अब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यानी कि पहले हम ऑक्सीजन के अलावा जो भी चीजें उनको बैलेंस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक है यहाँ पर 2 होता तो मैं इधर भी 2 से जरूरत दे देता, ठीक है। अब आगे आएंगे एग्जाम्पल उसमें आपको मजीद समझ आएगी। इसमें अगर आप देखें तो मैगनीज बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इधर 4 एटम है इधर कोई भी नहीं है, इस 4 को बैलेंस करने के लिए हमें फिर वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वाटर में अंदर होता है H2O, यानी कि ऑक्सीजन आपने बैलेंस करनी है वाटर की फॉर्म में, अब H2O है तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 4 O चाहिए थे तो हमें फिर 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़े, ठीक है। MnO4 में 4 O थे, इन O को बैलेंस करने के लिए हमें 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने।
अगले स्टेप में फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन के लिए सिंपल आपने एच पॉजिटिव प्रोटॉन ही ऐड करने। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसको जब हमने ऑक्सीजन को ऐड किया प्रोडक्ट की तरफ, तो हमें यहाँ पर 8 H मिल गए। अब ये 8 H फिर हम इधर लिख लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक हो गया। यानी कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग की, उसके बाद हमने ऑक्सीजन के अलावा जो चीजें हैं वो हमने बैलेंस की, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर से, फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया एच पॉजिटिव, ठीक है, ये हमने काम किया। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, ठीक है, अब बैलेंस ईच, अब हमारे पास हाफ फ्रैक्शन जो भी बने, अब हमने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे, अब ये जो हमारे पास पहली एग्जांपल आई थी उसमें अगर आपने देखे जो हाफ फ्रैक्शन, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड। ये देखें, इधर Fe2 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो फिर हम यहाँ पर इस तरह लिखें, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। Fe2 में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, Fe3 में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे तो इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, इसकी भी 2 की, तो ये बैलेंस हो जाएगा। यानी कि इसको मैं दोबारा बताता हूँ कि आपने ये देखना है कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं या किस तरफ रिमूव हुए हैं। तो जिस तरफ हमें इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव है, तो हमने दोनों साइड में बराबर करनी है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो वो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया वो हमने इधर अलग से लिख दिया। इसी तरीके से ये हमने दूसरा हाफ रिएक्शन बनाया हुआ है, इसमें MnO4, ये आपको पता, +8 H, Mn2 और वाटर, ये हमारे पास फाइनल बना था जो बैलेंस करके। इसमें हम कब क्या करेंगे, इसमें अब हम इलेक्ट्रॉन का हिसाब लगाएं। तो हमने देखा मैगनीज में +7 था, ये हमने ऊपर टॉप पे देखा, और इधर +2, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें रिएक्टेंट में ऐड करना है। यानी कि ये +7 था, इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इधर 2 की रह गई, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। वो 5 इलेक्ट्रॉन जो गेन किए वो हमने इधर लिख दिए। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन हम इसके साथ लिख देंगे ना, तो ये फिर दोनों साइडें बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड, अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए, यहाँ पर हमें क्या मिला था, हमने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। तो अब इस पूरी इक्वेशन को 5 से जरब दे देंगे ताकि इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो 5 Fe, 5 इलेक्ट्रॉन और 5, इस तरह सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हमने 5 से जरब। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर MnO4 और ये फिर 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको ओवरऑल देख लेंगे, यानी कि ये 5 Fe, ये MnO4 वैसे लिख दिया, 8 H वैसे लिखा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर ऐड हुए थे उधर रिमूव हुए थे, दोनों आपस में कट गए, ठीक है, ये इक्वेशन की उस साइड पे था, इक्वेशन की इस साइड पे बैलेंस हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए, हमने काट दिया, उसको लिखा ही नहीं। इधर 8 H, दूसरी साइड पे प्रोडक्ट पे देखे तो मैगनीज है, 4 वाटर मॉलिक्यूल और 5 Fe3। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन आ गई। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने, उसके बाद आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को अलग अलग करके लिख लेना। तीसरे स्टेप में आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज होगी उसको आपने बैलेंस करना है। चौथे स्टेप में, मतलब तीसरे के अंदर ही, फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल से, और फिर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है एच पॉजिटिव प्रोटॉन आयन से। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, आपने देखना है किस तरफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, गेन हुए थे। अब दोनों हाफ फ्रैक्शंस में आपने इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है, यानी कि किसी भी ऐसे फैक्टर के साथ जरब दे देंगे ऊपर या नीचे, ताकि दोनों बराबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो अब हम कैसे बैलेंस करते, इसको 3 से जरब दे देते, इसको 2 से दे देते, दोनों 6 6 हो जाते। यानी कि हमने कुछ ऐसी मल्टीप्लीकेशन करनी है कि दोनों बराबर हो जाए, और वो एंड पे कट भी जाने हैं, तो इसलिए उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये दूसरी एक एग्जाम्पल आप देखें, इसमें देखें आप कॉपर +1 इस पे लिखा हुआ है, यानी कि और इस तरफ +2 भी लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक किए बगैर ही हमें पता है ये +1 से +2 में चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुई। ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल से -1 में चला गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये रिडक्शन हो गई। इधर हमने ऑक्सीडेशन लिख ली, अब हमने इधर रिडक्शन लिख ली, अब इधर हमने ऑक्सीडेशन लिखी, इधर एक ही एटम है रूल के मुताबिक, इसको हम किसी से जरूर नहीं देंगे क्योंकि इधर भी CO है, इधर भी CO है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें I2 है और I है, यहाँ पर हमने पहले अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है ना, तो हमें आयोडीन को बैलेंस करना है, तो I2 है तो इधर 2 I हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 से जरूर देंगे। अगले स्टेप में अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने
इस तरफ देखें तो हमने अब यहाँ पर दोनों में ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो बैलेंस ही नहीं करना। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर +1 था, यहाँ पे +2 था, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बैलेंस हो गया। इधर आयोडीन के अंदर -I था, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये 2I के साथ बैलेंस होगा, क्योंकि आपने ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है। यानी कि यहाँ पे दो 2I की वजह से दो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर ऐड करने पड़े। अब अगर आप देखें, अब दोनों साइडों में बराबर करने के लिए फिर हम इसको 2 से जरब देंगे, क्योंकि इधर दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो इधर दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो वो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल नेट फिर जो है ना, ये 2CO+I2, आई टू इधर से लिखा, 2CO इसका लिखा, फिर 2I इसका लिखा, तो दोनों हमने फिर बैलेंस कर दी। इस तरीके से एक और एग्जांपल आपको देखते हैं, ये I और Cr2O7। इसमें अगर आप देखें तो आपने किसी भी चीज से नहीं, सबसे पहले आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। I के ऊपर -1 है, नजर ही आ रहा है। इस तरफ I के ऊपर न्यूट्रल है, इसने -1 से 0 में गया, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। Cr2O7 के केस में देखें तो ओवरऑल इन सब के ऊपर है -2 चार्ज, इसका मतलब है -2 होता है ऑक्सीजन पे, ये 14 माइनस में चला गया, तो -2 चाहिए, तो इसका मतलब है +12 हमें उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए। और +12 कैसे होगा, ये 2 Cr है, तो 6 6 इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो +6 इस पे हमारा आ जाएगा। तो आप जुबानी भी कर सकते हैं, अगर आपको जुबानी नहीं समझ आता तो आप लिख के भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। मैंने तो आपको बता दिया कि ओवरऑल हमें इसके ऊपर -2 चाहिए, और ऑक्सीजन का सिर्फ हमें पता था, क्रोमियम का हमें नहीं पता था कि इस पे कितना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो +3 लिखा हुआ, इसका मतलब +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये रिडक्शन होगी। अब हमने उसी रूल के तहत हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग लिखी, इस तरफ हमने ऑक्सीडेशन की लिख दी, इस तरफ हमने रिडक्शन की लिख दी। पहले हम ऑक्सीडेशन की देखते हैं, आई है इधर, I2 है, पहले तो एटम बैलेंस करें, तो 2I इधर हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें ना, अब हम अगला रूल देखें तो ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, अब इसको छोड़ दें। अब इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पर Cr2O7 है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये Cr है। अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो है उनको बैलेंस करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 से जरब दे देंगे, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब हमने ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 7 ऑक्सीजन है, तो इधर हमें 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। अब ये 7 को जरब दी तो हमारे पास ओवरऑल 14 H आ गए, तो 14 H हमने इधर लिख दिए, ठीक है, तो हो गया काम। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आते हैं, इधर हमने देखा 2I था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम कर देंगे, ये बैलेंस कर दिए। ये यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर था ये, इसके ऊपर आपको पता +6 था, ठीक है, और इधर है हमारे पास +3, तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 क्रोमियम थे, तो 1 क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो 2 क्रोमियम में से 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिर सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, कमी कह रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया, 1 क्रोमियम में 3 का था तो 2 में 6 का आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने इधर लिख दी। अब चूंकि हमने 6 इलेक्ट्रॉन इधर लिखे, इधर 2 हैं, तो अब हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से जरब दे देंगे, ठीक है, 3 से जरा दी, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, Cr2O7+14H, और यहाँ पर 3 को 2 से जरा दी तो 6I आ गया, और इधर प्रोडक्ट साइड पे 2Cr+3, 7 वाटर मॉलिक्यूल और 3I, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कट गए, ठीक है। ये मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसको, ये मैं वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ।